नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यन्दु मांडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाय सेल सिग्नल कम स्किनार बनाया और उसी का थ्रू मैं आप लोगों को रेगुलर व्यू देता हूँ, तो उसी को कल के लिए मतलब 18 दिसंबर 2019 के लिए मैंने इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी दिखाऊंगा और फ्यूचर्स का लेवल। तो आप लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन जो मैंने रेगुलर बेसिस पे देता हूँ और ये जो बाय सेल लेवल ये मैंने रेगुलर बेसिस पे देता हूँ ये आप लोग को मिल जाएगा। और बहुत सारा चीज़ मैंने चार्ट का सेटअप मैंने बना के रखा है, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा ताकि आप लोग को भी प्रॉफिट कमाने के लिए सुविधा होगा और बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए भी मिल जाएगा आप लोग को स्टॉक मार्केट में हमारे में जो जरूरी है, तो वो आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग को ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट आएगा और ट्रेडिंग आप लोग अच्छी तरह से काम कर सकता है। तो इस वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखते हैं, देखिए मैंने रेगुलर बोलता हूँ तो मैंने थोड़ा सा ब्रीफली दे देता हूँ, बोल देता हूँ कि इसमें क्या क्या रहता है क्या क्या नहीं रहता है। मैंने दो बाय सेल लेवल बनाया हूँ एक्सेल फाइल। बाय सेल लेवल कम स्किनर में बाय सेल लेवल 1, बाय सेल लेवल 2 और बाय सेल लेवल 3 रहता है, तीनों लेवल रहता है और कुछ इंडिकेटर्स वगैरह रहता है जो आप लोग को अच्छी तरह से स्क्रीन कर ले सकता है जो लाइव मार्केट में भी और एंड ऑफ द डे भी। आप लोग इसका डाउनलोड का लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा और ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप पे फ्री ट्रायल के लिए आप लोग ज्वाइन हो सकता है, उसमें मैं पूरा फाइल शेयर करता हूँ तो वो भी आप लोग को आप लोग को लिंक मिल जाएगा। और इसमें देखिए बाय सेल लेवल, तीनों बाय सेल लेवल रहता है और इसमें वोलेटिलिटी, डिलीवरी परसेंटेज, चेंज इन प्राइस, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, कुछ ईएमआई का क्रॉसओवर, प्रोबेबिलिटी और VWAP, टीरोन लेवल, पिवट पॉइंट, बोलिंजर बैंड, प्राइस चैनल, ये सब आप लोग देखे आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनिंग कर ले सकता है। और इसमें इस सीट में आप लोग को मिल जाएगा बाय सेल लेवल 3। बाय सेल लेवल 3 में मैंने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में साइड में रखा है। अप ट्रेंड जब और भी ऊपर जाएगा कौन सा लेवल सेफेस्ट रहेगा, अप ट्रेंड जब रिटेस होकर नीचे आएगा तो कौन सा लेवल सेफेस्ट रहेगा, डाउन ट्रेंड जब नीचे आएगा तो और भी नीचे जाएगा तो कौन सा लेवल सेफेस्ट रहेगा एंट्री लेने के लिए, और डाउन ट्रेंड जब रिटेस होकर ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल सेफेस्ट रहेगा ऊपर जाने के लिए, और कौन सा लेवल पे कौन सा है वो भी आप लोग को इधर से दिख जाएगा। कौन सा बाय लेवल अप ट्रेंड, सेल लेवल अप ट्रेंड, बाय लेवल डाउन ट्रेंड, सेल लेवल डाउन ट्रेंड, कौन सा लेवल पे कौन सा है वो भी आप लोग को इधर से दिख जाएगा। और इधर आप लोग एक्चुअली ये फ्यूचर्स में डाटा नहीं मिलता है तो इसीलिए हम 30 डेज का डाटा या 100 डेज का डाटा मैं नहीं रख सकता हूँ, तो इसीलिए इंडिकेटर फ्यूचर्स में नहीं आता है। तो इधर कुछ इंडिकेटर्स नहीं आता है, कुछ आता है VWAP वगैरह कुछ आता है। और इधर 530 EMA क्रॉस ओवर आप लोग को मिल जाएगा, इसके बाद इधर 955, 10, 20, 100, 50 ये सब क्रॉस ओवर आप लोग को देखे आप लोग बहुत अच्छी तरह से स्क्रीन कर ले सकते हैं। और उसके बाद बाय सेल लेवल देखेंगे तो आप लोग को बहुत ही आसानी से आप लोग प्रॉफिट कमा सकता है ये फाइल यूज़ करके। और इसमें बाय सेल लेवल 3 को मैंने अलग से बनाया है, सभी चीज़ सेम है। बाय सेल लेवल 3 में जो जो है अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का बाय सेल लेवल, और इसमें ऑनली 534 EMA क्रॉस ओवर रखा है और प्रीवियस क्लोज का हिसाब से कुछ करेंट मार्केट प्राइस का करेंट हाई, करेंट लो और करेंट क्लोज का क्या पोजीशन है उसको देख के एक स्क्रीनिंग का अरेंज करके रखा हूँ, तो वो भी आप लोग देख के स्क्रीनिंग कर ले सकता है। तो चलते हैं आज का जो बाय सेल लेवल दिखाने के लिए। तो देखिए इधर बाय सेल लेवल 1 में, ये बाय सेल लेवल 1 है, आप लोग इधर से देख लग सकता है, मैंने बड़ा करके दिखाता हूँ क्योंकि किसी लोग मोबाइल से देखता है। तो ये स्टॉक्स मैंने चुना है, इसका बाय लेवल बीच में रहेगा टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ और टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ। सेल का एंट्री लेवल भी ऐसा है, सेल का एंट्री लेवल बीच में रहेगा टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ और टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ। और इसमें आप लोग को गैप अप और गैप डाउन कंसीडर कर लेंगे, आप लोग मेरा परफॉर्मेंस वाला वीडियो देख लेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कैसे आप लोग को ट्रेड लेना है
कैसे ट्रेड लेना है, कौन सा लेवल पे है आप लोग को, जो मार्केट ओपन होगा तो कौन सा लेवल पे आप लोग को देखना है। सो जो 596 जस्ट डायल ओपन हुआ है तो 596 के ऊपर आप लोग ट्रेड लेंगे तो 600 के टारगेट के लिए, 600 के ऊपर ओपन होगा तो 602-603 में आप लोग एंट्री ले सकता है, 605 से एंट्री ले सकता है। उसके बाद 614 के टारगेट से लेंगे। जब ज़्यादा नज़दीक टारगेट आ जाएगा तो ज़्यादा नज़दीक टारगेट में आप लोग नहीं लेंगे, आप लोग समझ सकता है। तो ज़्यादा जब वो टारगेट क्रॉस हो जाएगा तो नेक्स्ट टारगेट के नहीं लेंगे, नहीं तो उस ट्रेड में नहीं लेंगे। तो ऐसा हुआ। और उसके बाद ये गया है बाय सेल लेवल 1, उसके बाद बाय सेल लेवल 2 ये भी एक बढ़िया है, ये भी आप लोग यूज़ कर सकता है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। और बाय सेल लेवल 3 दिखाता हूँ आप लोग को, यह है बाय सेल लेवल 3। ये मेरा मोस्ट रिकमेंडेड है क्योंकि ये इसका सेफेस्ट एंट्री रहता है। और पिवट पॉइंट भी आप लोग देख सकते हैं और टीरोन लेवल भी आप लोग इधर से प्राइस चैनल का वैल्यू आप लोग देख नोट कर सकते हैं। प्राइस का अपर बैंड जब क्रॉस करेगा, मिडिल बैंड, लोअर बैंड जब क्रॉस करेगा, आप लोग का ट्रेड बनेगा, कुछ ट्रेड का एंट्री ले सकता है। और इधर से आप लोग को BWAP टीरोन लेवल, इसका लेवल भी आप लोग नोट कर ले सकता है। और मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का देखा था वो, ये वाला निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स है और ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स है। तो इसका बाय सेल लेवल आप लोग देख ले सकता है, बाय सेल लेवल 1, ये बाय सेल लेवल 2। और मैंने थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा और मेरा वीडियो का लिमिटेड टाइम है, ख़त्म हो जाएगा। आप लोग पॉज करके भी आप लोग नोट कर ले सकते हैं। और कमोडिटी का लेवल दिखाता हूँ, ये आप लोग एंड ऑफ द डाटा जो लेके आप लोग आसान से काम कर सकता है। कोई भी किसी ने कमोडिटी, इक्विटी, निफ्टी, बैंक निफ्टी कोई आप लोग आसानी से काम कर सकता है, आप लोग को अच्छी तरह से प्रॉफिट देगा, 90% के ऊपर तो प्रॉफिट एक्यूरेसी रहेगा इसका। इतना दिखाने जाऊंगा तो मेरा खत्म हो जाएगा, इतना दिखा नहीं पाऊंगा। आप लोग को बाय सेल लेवल ही नोट कर लीजिए। और इधर और भी थोड़ा सा कमोडिटी बाकी रह गया, मेरे को ये सब कैलकुलेट करने के बहुत सारे डाटा लेना पड़ेगा, इसीलिए ये फाइल बड़ा है, ये पीछे चला गया। बाय सेल लेवल 1, 2 और 3 पीछे पड़ा गया है, गैप हो गया क्योंकि इसका कैलकुलेशन अलग है सबका कैलकुलेशन। और कुछ फ्यूचर्स का मैंने ऐसे ही रैंडम दिखा दिया था हूँ, आप लोग इसका ऑब्जर्व कर सकता है, उसके बाद आप लोग ट्रेड भी ले सकता है अपना हिसाब से। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।